Hi, Ruchit sir. Good morning. Welcome to the show. Hi, very good morning, Dinesh. Thank you very much for inviting me to your show today. Thank you, sir, for your time. Sir, markets काफी open issue हुए हैं and globally भी काफी uncertainty है. What is your view on the market, sir? Right. So, Dinesh, अगर हम देखें पिछले एक हफ्ते में मार्केट्स में एक रेंज में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है. 11,700 ये एक सपोर्ट रेंज मार्केट के लिए बना है, लेकिन ऊपर 12,000 का लेवल एक बहुत सिग्निफिकेंट हर्डल बन गया है और वो क्रॉस होने में मार्केट्स को फिलहाल दिक्कत हो रही है. इसका मेन रीजन ये है कि जो इंडेक्स हैवी वेट्स पहले मार्केट्स को ऊपर लेके जा रहे थे, सच एज आईटी हो गया, रिलायंस पैक हो गया, कुछ फार्मा नेम्स हो गए, उनमें कहीं ना कहीं एक कूल ऑफ आया है. इसके लिए हम मार्केट में कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं. बैंकिंग डेफिनेटली एक अच्छा मूव हमने बैंकिंग स्पेस में देखा है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे मार्केट में रिलायंस जैसे कुछ इंडेक्स हैवी वेट्स का पुश चाहिए वो 12,000 का लेवल निकलने के लिए. तो एज ऑफ नाउ तो हम वेट कर रहे हैं कि वेदर 12,000 का लेवल पहले टूटता है, 12,000 से 12,025 का रेंज या 11,775 का ये सपोर्ट पहले टूटता है. जिस भी साइड ब्रेकआउट आएगा उसके बाद एक अच्छा डायरेक्शनल मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर बायसनेस पूछे तो जो हिसाब से मिड कैप इंडेक्स पॉइस्ड है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी ऐसे ही एक ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो अगर मिड कैप इंडेक्स में भी साथ में ब्रेकआउट आता है और 12,025 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली काफी अच्छा मोमेंटम ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे. तो हमारा मानना है कि अगर किसी को प्रीएम्प्ट करना है तो पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करें और बहुत ही जल्द हम 12,000-12,025 का लेवल ब्रेकआउट आते हुए देख सकते हैं. सर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वुड यू सजेस्ट ट्रेडर्स टू मेक फ्रेश एंट्री एट दिस लेवल और या फिर यहाँ से आपको चार्ट में थोड़ा सा लग रहा है वीकनेस आएगा और करेक्शन आ सकता है? See, I think as of now there are no signs of weakness or correction. So banking space भी काफी strong ही है. एक high top high bottom का structure हम लोग देख रहे हैं निचले स्तरों से यहाँ पे बना हुआ है. 24,800 एक रेजिस्टेंस है, वो इनकेस निकलता है तो उसके बाद हम फिर से बैंकिंग स्पेस में एग्रेसिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं. सर कोई स्टॉक्स लग रहे हैं आपको जो एक्साइटिंग चार्ट्स पे? यहाँ पे देखेंगे तो एनबीएफसी स्पेस में थोड़ा अच्छा मूव अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है. जिसमें सपोर्ट फाइनेंस में हमने ब्रेकआउट कल की ट्रेडिंग सेशन में देखा है, 700-695 की रेंज में बायोडिस्टिंग की रणनीति यहाँ पे रखनी चाहिए. 675 के स्टॉप लॉस है, ऊपर 750 तक के टारगेट हम फिलहाल ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में देख सकते हैं. सर इसके अलावा और कोई? इसके अलावा फार्मा स्पेस में अगर कोई बॉटम किसी बनाना चाहता है कि फार्मा स्पेस अच्छा खासा कूल ऑफ हम जो हमें देखा है लोअर है, आई थिंक फार्मा स्पेस कितने कहता हो सकता है जिस फिर से मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे विद इन द फार्मास्यूटिकल स्पेस अगर स्टॉक एक्शन देखें तो ग्लेनमार्क फार्मा पे नजर रहनी चाहिए जो करंटली 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है. उनका ब्रेकआउट 497-498 के ऊपर है. तो अगर 498 के लेवल क्रॉस होता है तो ग्लेनमार्क फार्मा, उसके बाद ये तो एक कंडीशनल बाय है, 498 का लेवल क्रॉस करने का इसको बाय कर सकते हैं, 486 का स्टॉप लॉस रखे. अगर ये ब्रेकआउट आता है तो 525-530 के टारगेट के प्रोजेक्शन स्टॉक के लिए बनाए. थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर.